जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास से पहले हम देख चुके हैं कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद की फीचर का फर्स्ट पॉइंट देखे थे जिसका नाम था फेडरलिज्म, और सेकंड पॉइंट देखे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन चीज़ हम समझ चुके हैं अच्छे से। दो की फीचर हो गया और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, ये हम पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो सारे वीडियो को कृपया देख कर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये क्या है समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे की फीचर का पार्ट थ्री, ठीक है। पार्ट थ्री सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग डिवाइडिंग शेयरिंग ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं? ये पावर को बांट क्यों दिया गया है, पावर को सेपरेट क्यों किया गया है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड भी किया गया है पावर को और एक दूसरे और शेयर भी किया गया है पावर को लेजिस्लेटर में और एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये तीनों में डिवाइड आखिर क्यों किया गया है और ये करना आखिर ज़रूरी क्यों था? आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर ये इन तीनों को बांटना आखिर क्यों ज़रूरी था। अगर हम कहें तो क्यों, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्यों, कैसे, ये भी सवाल आ रहा होगा, और कहाँ बांटा गया है, ये तीन सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये तीनों जो है ना बाबू, लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं, लेजिस्लेटर किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसको, जुडिशरी किसको कहते हैं, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव जिसमें जो कानून बनाने वाले होंगे, ठीक है, कानून बनाने वाले होंगे, पार्लियामेंट वगैरह है ना, तो MP वगैरह जो हो गए ना, वो लोग आपका इसमें आ जाएंगे लेजिस्लेटिव में, यानी कि कानून बनाने वाले इसमें आ जाएंगे, और उस कानून को अप्लाई करने वाले यानी कि उस कानून को फॉलो करवाने वाले यहाँ एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उस कानून को फॉलो करवाने वाले इसमें आ गए, और उसके बाद आपका जुडिशरी है यानी कि सही गलत कौन है इन दोनों में, ये लास्ट में जुडिशरी देखता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है, कोऑर्डिनेशन करके काम करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है। मोनार्की में क्या था कि राजा जो चाहते थे तो करते थे। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी में भी सेम हो जाता कि सिर्फ इन्हीं के पास सारा पावर होता, या फिर सिर्फ इन्हीं के पास सारा पावर होता, तो क्या होता कि ये अपने पावर का मिसयूज़ करते, ठीक है। तो इस पावर को मिसयूज़ नहीं करना ही जो है आपका ये पावर ऑफ सेपरेशन आपका कहलाता है। देखिए, इसमें कौन आपके लेंगे, MP हो गए, MLA वगैरह, इसमें आप क्या लेंगे यानी कि सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये लोग क्या किए। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको कि मान लीजिए एक कानून बनाना था, तो ये कानून बना दिए कि भाई सब लोग रोड पे जो था सब लोग क्या होगा कि ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, जिसमें कि हेलमेट सभी को आगे और पीछे वाले दोनों को क्या करना है, पहनना है। तो लेजिस्लेटर तो क्या किए, कानून को बना दिए। अब कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, कानून बनाने से तो सिर्फ हो नहीं जाएगा ना, कानून को लागू करवाने वाला भी तो कोई चाहिए, सारा काम नेता लोग आगे तो नहीं करेंगे ना। तो क्या होगा कि वहाँ पे फिर काम आता है आपका पुलिस की व्यवस्थाएं, और इसमें PM भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी जो है कानून को इम्प्लीमेंट ये भी करवाते हैं, ऑर्डर तो इन्हीं का होता है ना, CM हो गए, PM हो गए, ऑर्डर तो इन्हीं का होता है। तो पुलिस जो है इस कानून को यानी कि आगे पीछे दोनों जो व्यक्ति वो हेलमेट पहनेगा उसको वो क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट करवा दिया ऑन दी लैंड, यानी कि जमीन पे उसको क्या कर दिया, एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू करवा दिया। अब ये पुलिस सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर ये कानून सही है या नहीं, किसी के साथ गलत, किसी के साथ जाति यानी कि भेदभाव किसे तो प्रेरित नहीं है। तब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पुलिस उसको पकड़ लिया, वो कहता है कि हम फाइन नहीं भरेंगे, तो फिर उसमें पुलिस क्या करेगा, पुलिस आपको सज़ा नहीं दे सकती है ना, पुलिस क्या करेगी, पुलिस आपका चालान काटेगी, आप चालान के बदले हम पैसे नहीं देंगे, आप मेरा चाहे कुछ हो कर लीजिए, तो पुलिस आपको सही और गलत ठहराने के लिए कहाँ ले जाएगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी यहाँ पे जुडिशरी यानी कि कोर्ट वगैरह में आपको ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है एग्जाम्पल के लिए वहाँ आपको ले जाएगी। तो हाई कोर्ट सिस्टम आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट है ना, ये पुलिस
और इस पे यानी कि लेजिस्लेटर, ये दोनों पे इनका क्या होता है, नज़र होता है कि भाई ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अब ये हाई कोर्ट जो है अभी ये भी अपने मन से कुछ नहीं करता है, सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में पहले से सब कुछ मेंशन है कि किसके पास कितना पावर है। इससे, इस सिस्टम से क्या होता है कि किसी एक के पास पावर नहीं होता है, इस कारण से कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पावर्स इज शेयर्ड अमोंग दिस थ्री ऑर्गन, ये तीन लेवल पे जो है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है मेनली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से डेट ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो क्या हो गया कि इन तीनों में से कोई एक भी अगर इस पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी गलत पावर इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे सजा आप तीनों में से कोई भी एक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा। आप कई बार देखते होंगे कि सरकार कानून बना दी है और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस कानून, ये कानून से जनता को मतलब हानि होगा या फिर कह लीजिए कि उनको कोई दिक्कत है, उनके इनका जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या फिर हाई कोर्ट क्या करती है, उस कानून को रद्द कर देती है या फिर सरकार को कहती है कि इस कानून को आप दोबारा बनाए, ठीक है। तो यहाँ से आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। दिस डेवलप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया है ना कि तीनों जो लेवल पे जो है, तीनों जो है ऑर्गन, ये तीनों का पावर जो है वो कोई मिसयूज़ ना करे और एक अगर गलती करता है तो दूसरा क्या करे कि उसको चेक करे कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। दिस बैलेंस ऑफ पावर पॉइंट टू लर्न द कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। कई बार देखिए आगे जब पढ़ाएंगे आपको हम, तो एक स्टेट को यानी कि एक पूरे कंट्री को हम स्टेट करके बोलेंगे, तो वो उस सेंस में स्टेट यानी कि यूपी बिहार पंजाब इस सेंस में नहीं होगा। वो किस सेंस में होगा, वो होगा कि आपके पूरे कंट्री के सेंस में हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया इस तरह से। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसा कहा जा सकता है कि एक देश को आप स्टेट कह सकते हैं जब हम पूरे यूनिवर्स पे देखते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसमें हमको नहीं लगता है कि अब कुछ बच गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको मिल जाएगा। अगर आप स्कूल, अगर आप कोचिंग के विद्यार्थी हैं तो आपको तो नोट्स मिलेगा ही। चलिए, जय हिंद, बाय।